अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत होंगे। दोस्तों आप देख रहे हैं उमर पिजन लवर। तो जी दोस्तों, ये शाम का टाइम है तो मैंने अभी दाना वगैरह कबूतरों को डाला है, ठीक है ना। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आप पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको सब्सक्राइब नोटिफिकेशन हो सके। ओके दोस्तों, वीडियो देख लेते हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। दोस्तों सिर्फ 18% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है और बाकी लोग वैसे ही देख रहे हैं, ठीक है ना। तो भाई ऐसे ना कि करें तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ठीक है। तो ये मैंने दाना वगैरह डाल दिया है, तो ये अभी थोड़ा सा है बीच में, तो ये भी खा लेंगे। तो ये माशाल्लाह से अंदर चले गए हैं। तो ये देखें दोस्तों, एक ये माशाल्लाह से आज कबूतर पकड़ा है, वो सामने ऊपर ही बैठा हुआ है। तो इसको भी इंशाल्लाह मैं आपको अगली वीडियो में शौक इसका करवा दूँगा। तो अभी मेरे पास स्टैंड नहीं है दरअसल, तो वो नीचे पड़ा हुआ नीचे वाली फ्लोर में, तो मैं नीचे जाऊँ और ऊपर हूँ, मेरा तो दोस्तों हाल ही बुरा हो जाएगा, इतनी सीढ़ियाँ नहीं चढ़ी जाती। तो मैं इसका इंशाल्लाह कल आपको शो करवा दूँगा। बाकी ये देखे दाना वगैरह खा कर तो ये सारे बैठे हुए हैं, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों आज की वीडियो में मैंने आपसे ये पूछना है कि आपने अपना कमेंट करके नीचे बता देना, ठीक है ना, कि दोस्तों मैं पिजन की मतलब कि जैसे मैं सुबह छत पर ऊपर आता हूँ और शाम को दाना डालने आता हूँ, मैं ये डेली वीडियो बनाया करूँ या ऐसे ही जैसे एक दिन छोड़ के एक दिन, मतलब कि आप समझ लें कि मैं कबूतरों का डेली व्लॉग बनाया करूं, मतलब कि जैसे मैं सुबह ऊपर आता हूं वो भी आपके साथ शेयर करा करूं, और शाम को भी जैसे आता हूं मतलब कि वो उसके साथ फिर अटैच करके आपके साथ शेयर कर दिया करूं। मैं दिन में मतलब के कबूतर ऊपर कितने टाइम देखने आता हूं, मैं दिन में क्या क्या मतलब के होता जो डेली रूटीन कबूतरों की, मतलब जैसे मैं ऊपर आता हूँ ये बनाया करूँ कि ऐसे ही एक दिन छोड़ कर दो दिन छोड़ के आपके साथ वीडियो शेयर करूँ। दोस्तों आपने बताना ज़रूर है, ठीक है, आपने कमेंट करके बताना है, तो आप यस और नो कर देना, ठीक है ना दोस्तों। तो यस का मतलब होगा कि मैं रोज़ाना डाला करूँ, नो का मतलब कि मैं एक दिन छोड़ के जैसे मैं आगे डालता हूँ वैसे ही मैं डाला करूँगा, ठीक है दोस्तों। तो आपने कमेंट करके जरूर बता देना मुझे, तो मैं फिर इंशाल्लाह अगर आप यस कहेंगे तो मैं इंशाल्लाह फिर वीडियो रोज़ाना बनाया करूँगा, मतलब कि कबूतरों की जो भी रूटीन होगी, जो मैं उड़ाता हूँ कबूतर, जो भी मैं करता हूँ वो मैं इंशाल्लाह आपके साथ सारा शेयर किया करूँगा, ठीक है ना दोस्तों। तो भैया शाम को मैंने दाना वगैरह डाल दिया है, इधर भी माशाल्लाह से सारा दाना वगैरह डाला है इधर दोस्तों। ये मैंने इसके साथ ये मादी एक नई जोड़ी है, इसका भी आपको शौक करवाना, और नीचे अपने जाक जोड़ा, ये सामने जाक मादी है साथ में नार, इसने माशाल्लाह अंडे बड़ी मुश्किल से दोस्तों दिए हैं। तो ये काफ़ी देर लगा रहे थे, तो अभी भी इसने दोस्तों एक ही अंडा दिया, ये नहीं मुझे समझ आ रही कि ये एक अंडा क्यों देती है, ठीक है ना। तो एक ही अंडा दे रही है, काफ़ी देर हो गई, दो तीन दिन, फिर एक ही अंडा दे दिया और काफ़ी लेट अंडा देती है, ठीक है। तो इसका भी इंशाल्लाह लार्ज करूँगा ताकि ये दो अंडे अपने पूरे तो दिया करें। तो बाकी ये देखें माशाल्लाह कबूतर अपना इंजॉय वगैरह कर रहे हैं, दाना वगैरह इन्होंने खा लिया माशाल्लाह से। तो मैंने ये पिछली वीडियो बल्कि पिछली से पिछली जो वीडियो मैंने कबूतर सेल की लगाई है, तो वो दोस्तों एक एक करके तो नहीं, जैसे आप कहते हैं कि भाई एक कबूतर दे दो, ऐसे नहीं देने, वो जिसमें भी लेने वो सारे ही मैंने देने हैं, ठीक है ना। तो मतलब कि वो पिछली वीडियो अभी तो उसमें से दो तीन सेल भी हो गए हैं, तो बाकी जितने हैं अभी 10 तो वो इंशाल्लाह सारे इकट्ठे ही देने हैं, ऐसे एक एक करके तो नहीं, चलो तीन चार हों तो दे सकता हूँ, लेकिन एक एक करके तो दोस्तों फिर इतने में जो भी मुश्किल होगा थोड़ा। तो बाकी ये देखें माशाल्लाह सारे अंदर ऊपर भी अंदर चली गए हैं, तो वो देखो सारे दोस्त अंदर कबूतर अपने ज़्यादा ही जूम हो गया, तो चले गए हैं। बाकी ये देखें माशाल्लाह से सारे, मैं आपको अंदर से भी थोड़ा सा दिखा देता हूँ। बाकी प्रवासी कबूतर तो आज मैंने नहीं थे खोले, क्योंकि आज मैं सुबह छत पे नहीं आ सका था, तो पापा ही मेरे दाना डाल गए थे। ये देखें सारा अपना, ये सफाई भी करने वाली हुई इंशाल्लाह कल या परसों में कर दूंगा ये मैं सफाई। वो सामने देखें दोस्तों, ये पट्ठा मुझे लग रहा है, ये बड़ी बेहतरीन पट्टी है दोस्तों, कसूरियों में से बनी हुई है, ठीक है ना। इंशाल्लाह इसका आपको शौक करवाऊँगा कसूरी या गोल्डन में से, ठीक है ना। तो माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन है, अगर पट्टी हुई फिर भी बहुत कमाल, अगर नार हो जाए फिर तो बहुत ही मज़ा आ जाए दोस्तों, पट्ठा हो ना फिर इंशाल्लाह इसको कई जोड़ों में डालूंगा, कई जोड़ों के लिए कटी हुई आया, ठीक है ना। बाकी ये देखें माशाल्लाह से सारे ढीला मीला बच्चा फिर रहे, इसको मैंने सुबह दवाई दी थी दोपहर में आके, ये ऊपर मेरा हरा नार ये बच्चा बैठा हुआ है, ठीक है ना, ये देखें, ठीक है ना दोस्तों।
तो ओके दोस्तों, अगर फिर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और अपने दोस्तों कमेंट करके जरूर बताना, ठीक है ना, वो यस नो वाला कि मैं रोज़ाना बनाऊँ या जैसे मैं आगे डाल रहा हूँ एक दिन छोड़ के दो दिन छोड़ के वैसे डालूँ, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों जो मेरे चैनल पर नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, उसके साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुँच सके। ओके दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।